नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी की राम से तुलना पर बाबा रामदेव का बड़ा ऐलान। बोले मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज एक हैं। ये आपको बता दें कि देश भर में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जहां वो कहते हैं कि देश में नफरत का माहौल है। इस सवाल पर बाबा रामदेव ने कहा कि ये नफरत कुछ नेताओं को ही नजर आती है, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में एकता है। कुछ नेता ध्रुवीकरण करना चाहते हैं जिसे लोगों को दूर से देखकर मजे लेने चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा कि मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज एक हैं। और बड़ी खबर, लव जिहाद के नाम पर हो रही हत्याओं पर बोले बाबा रामदेव, जिस्म से नहीं आत्मा से करें प्रेम। ये आपको बता दें कि तुनिसा शर्मा सुसाइड केस के साथ ही देश में युवाओं द्वारा आत्महत्या और बेटियों के साथ में हो रहे हत्याकांड पर बाबा रामदेव ने कहा कि एक आदमी के धोखे की वजह से अपनी जिंदगी खत्म नहीं करनी चाहिए, बेटियों को साहस करके ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए, गलत चीजों के प्रति गुस्सा आना चाहिए। लव जिहाद के सवाल पर बाबा रामदेव ने कहा कि बुजुर्गों को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसमें से नहीं बल्कि प्रेम आत्मा से करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, रिमोट ईवीएम मशीन से वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने मांगी सलाह, कांग्रेस ने साफ कर दिया रुख। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रवासी वोटरों के लिए लाए जा रहे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम के शुरुआती मॉडल पर चुनाव आयोग से कई सवाल किए हैं, साथ ही पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इलेक्शन कमीशन लोगों का विश्वास बढ़ाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस का आधिकारिक बयान जारी किया है, इसमें उन्होंने कहा कि हाल ही के गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा में निर्वाचन आयोग ने इसीलिए देरी कर दी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी अभियान कर सकें। इससे पीएम मोदी को वोटिंग वाले दिन रोड शो करने की अनुमति देकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का मौका दे दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि साल 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में संदेहास्पद वोटिंग हुई, जिसमें आखिरी घंटे में 10-12% लोगों ने वोटिंग की, मतलब यानी एक मतदाता ने मतदान करने में 25-30 सेकंड लिए, जो कि असंभव है। आपके वोट करने के लिए कम से कम 60 सेकंड चाहिए होते हैं। कल्पना कीजिए रिमोट वोटिंग भी जारी रहता तो यह सिस्टम में विश्वास कम कर देगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को 16 जनवरी को आमंत्रित किया है, इसके लिखित जवाब देने के लिए 31 जनवरी 2023 तक कहा गया है। पार्टी ने बताया कि चुनाव आयोग को सलाह दी गई है कि वो लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट में बढ़ोतरी हो, लेकिन इसे भी नहीं माना गया। साथ ही निर्वाचन आयोग को सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनावी प्रणाली में पूरी पारदर्शिता के साथ में विश्वास बहाल हो। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले हम पहले भी अपने दो नेता खो चुके हैं। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को लेकर हुई सुरक्षा चूक को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सुरक्षा चूक का मुद्दा उठाया है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि हमारी पार्टी पहले भी सुरक्षा चूक के कारण अपने दो बड़े नेताओं की मौत देख चुकी है, हम अपने नेताओं के लिए बेहतर सुरक्षा चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा हमारी वजह से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही बीजेपी पर विधायक चोरी कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी वजह से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हर जगह पीएम मोदी कहते फिरते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 70 सालों से इस खूबसूरत लोकतंत्र को बचाकर रखा है, जिस वजह से आज प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब लोग भूखे मरते थे तब कांग्रेस हरित क्रांति लेकर आई। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर विधायक चोरी कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। अपने भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र में जिन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला वो सरकार में बैठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का कोई भी उसूल नहीं है सरकार बनाने के लिए, ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के पास में एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है जो बड़े से बड़े दाग को साफ कर देती है। जब लोगों को इस मशीन में डाला जाता है तो वे साफ निकलते हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी को मिलकर लड़ना होगा, केंद्र में ये झूठों की सरकार है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आज जो प्रधानमंत्री हैं वो कांग्रेस के 70 साल के शासन की वजह से हैं। अगली बड़ी खबर, कोलकाता में गंगा पर आज होगा मंथन। पीएम मोदी ने 5 मुख्यमंत्रियों को दिया न्योता, नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव होंगे शामिल। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए बंगाल के अलावा यूपी, उत्तराखंड, झारखंड और
बिहार के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। हालांकि नीतीश कुमार ने बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। उनकी जगह पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल होंगे। तेजस्वी यादव बैठक में शामिल होने के लिए पटना से कोलकाता के लिए गुरुवार शाम को ही रवाना हो गए। जिन राज्यों में गंगा बहती है उन राज्यों को बुलाया गया है। परिषद की पहली बैठक 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में हुई थी। बैठक में नीतीश कुमार के न जाने को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए वे कोलकाता नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पीएम मोदी को धोखा दिया उसके बाद उनमें पीएम मोदी के साथ बैठने, उनसे हाथ मिलाने और उनसे बातचीत करने का साहस नहीं बचा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से भी मिला कम डोनेशन। 72% के साथ बीजेपी टॉप पर, एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। यहां आपको बता दें कि राजनीतिक दलों को कितना चंदा मिलता है, कहां से मिलता है और कौन उन्हें देता है, ये वो सवाल हैं जो विवाद का विषय बन ही जाते हैं। लेकिन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट पारदर्शिता लाने का काम करती है। एक बार फिर एडीआर की तरफ से राजनीतिक पार्टियों के चंदे को लेकर अहम जानकारी साझा की गई है। बताया गया है कि इस बार इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट के जरिए बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। वहीं कांग्रेस का डोनेशन तो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से भी काफी कम है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 351.50 करोड़ का चंदा मिला है। कुल डोनेशन जो सभी पार्टियों को मिला है वो 487.09 करोड़ रुपए है। ऐसे में अकेले बीजेपी के खाते में 72% चंदा गया है। कांग्रेस की बात करें तो उसे इस साल मात्र 18.44 करोड़ रुपए डोनेशन में मिले हैं। उससे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी को 27 करोड़ और आम आदमी पार्टी को 21.12 करोड़ रुपए मिले हैं। अगली बड़ी खबर, सत्यपाल मलिक ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, विपक्ष को दी बड़ी नसीहत, कहा वोट बीजेपी को ट्रांसफर ना कर दें मायावती, इसे रोकना होगा। ये आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। साथ ही विपक्ष को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह के फॉर्मूले को अपनाने का सुझाव दिया। सत्यपाल मलिक ने हिमाचल और गुजरात चुनाव पर भी टिप्पणी की। उन्होंने हिमाचल चुनाव के नतीजों और बिहार में जेडीयू आरजेडी का एक साथ आने का स्वागत किया, जबकि गुजरात के नतीजों पर कहा कि गुजरात बीजेपी का ही है तो उसमें क्या हार क्या जीत, आने वाले दिन बीजेपी ने जैसे सोचे हैं उस तरीके से नहीं रहने वाले हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर हमला बोलते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो अपने सारे वोट रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी को ट्रांसफर ना करवा दें, बस यही रोकना होगा। लोकसभा चुनाव के लिए सत्यपाल मलिक ने विपक्ष के लिए वीपी सिंह का फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष में एकता नहीं आ रही है तो वीपी सिंह के फॉर्मूले को अपनाएं और एक एक कैंडिडेट के सामने विपक्ष एक ही उम्मीदवार उतारे। यदि यह हो जाता है तो पीएम मोदी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। एनडीटीवी से बात करते हुए मेघालय के पूर्व गवर्नर ने कहा कि विपक्ष कभी भी एक नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इसका सॉल्यूशन वीपी सिंह वाला ही फॉर्मूला है। सभी दल यह तय कर लें कि किस सीट पर कौन अच्छा लड़ सकता है, वहां एक ही उम्मीदवार उतारें और फिर जब चुने जाएं तभी नेता के बारे में तय करें। अगली बड़ी खबर, यूपी में अकेली पड़ गई कांग्रेस। अखिलेश यादव ने बताया भाजपा जैसी पार्टी मायावती और जयंत चौधरी भी यात्रा से दूर। यह आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना ली है। गुरुवार को उन्होंने खुलकर कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को भी भाजपा जैसा ही बताया। अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि हमारी पार्टी की विचारधारा अलग है, भाजपा और कांग्रेस एक ही है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे तो भारत जोड़ो यात्रा का कोई न्योता भी नहीं मिला है। फिलहाल राहुल गांधी की यह यात्रा दिल्ली में आने के बाद रुकी हुई है। यह यात्रा 3 जनवरी को एक बार फिर से शुरू होगी और यूपी में आएगी। मीडिया की ओर से यह पूछे जाने पर कि क्या आपको निमंत्रण मिला है, अखिलेश यादव ने कहा कि यदि आपको फोन पर निमंत्रण मिला हो तो मुझे भी भेज दो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी भावनाएं इस यात्रा के साथ हैं लेकिन हमें इसमें शामिल होने के लिए कोई भी न्योता नहीं मिला है। अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस का कहना है कि उसने सपा मुखिया को निमंत्रण भेजा है। इसके अलावा मायावती को भी न्योता दिए जाने की बात कांग्रेस ने कही है। हालांकि मायावती भी इस यात्रा से दूरी ही बनाती दिख रही हैं। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार से अखिलेश यादव ने की बड़ी मांग, बोले ओबीसी आरक्षण पर सदन बुलाकर चर्चा कराए योगी सरकार। यह आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार को दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी करार देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। गुरुवार को लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो वो सदन बुलाकर अपना पक्ष रखे। सपा मुख्यालय में बृहस्पतिवार को आयोजित संवाददाता
सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण पर सरकार समय समय पर गुमराह करती रही है और पिछड़ों तथा दलितों को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वे मिलकर आंदोलन करें। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से कहूंगा कि सदन की बैठक बुलाकर बहस कराएं और जब उनकी नीयत साफ है तो सत्र बुलाएं और सदन में अपना पूरा पक्ष रखें। पिछले कई वर्षों से देखा गया है कि पिछड़ों और दलितों का हक मारा जा रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है और आज हमें जो देखने को मिल रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा। आज पार्टी ने पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के पिछड़ा वर्ग संगठन के लोग तैयारी कर रहे हैं कि अगर उच्चतम न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़े तो सपा पिछड़े वर्ग का पूरा सहयोग करेगी। अगली बड़ी खबर, सलमान खुर्शीद का बड़ा ऐलान, बोले हमारा नेता गांधी परिवार खड़गे सिर्फ पार्टी चलाने के लिए, बीजेपी ने किया पलटवार, बोले सच आ गया सामने। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में प्रवेश करने से पहले कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। राहुल गांधी को भगवान राम जैसा बताने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अब पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है। सलमान खुर्शीद ने साफ कर दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ पार्टी चलाने के लिए हैं, जबकि गांधी परिवार ही उनके नेता हैं। सलमान खुर्शीद के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है और कहा कि सच्चाई सामने आ गई है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से पूछा गया था कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में कुछ बदलाव आया है। इस पर सलमान खुर्शीद ने जवाब दिया कि हमारे नेता गांधी परिवार हैं और वही रहेगा। खड़गे पार्टी चलाने के लिए हैं, हमें पार्टी को चलाने के लिए एक फुल टाइम नेता की आवश्यकता थी जो कि पार्टी के कामकाज पर फोकस करे। इससे पहले सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी जिस पर विवाद शुरू हो गया था। हालांकि अब सलमान खुर्शीद ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। सलमान खुर्शीद के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सच सामने आ गया है, कांग्रेस चाटुकारिता और वंशवाद में विश्वास करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, कमान सलमान खुर्शीद के अनुसार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ही पास है। अगली बड़ी खबर, दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए चुनाव आयोग ने बनाया रिमोट वोटिंग सिस्टम, सभी पार्टियों के आगे होगा डेमो। ये आपको बता दें कि देश में दूसरे राज्यों और शहरों में रहकर काम करने वाले प्रवासियों का मताधिकार सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तकनीक तैयार की है। चुनाव आयोग ने 16 जनवरी को सभी दलों को आमंत्रित किया है। आयोग सबके सामने इस तकनीक का प्रदर्शन करेगा। अगर ये तकनीक लागू की जाती है तो घर से दूर जाकर पढ़ने और काम करने वाले लोगों को वोट डालने की सुविधा मिल जाएगी। उन्हें अपने राज्य में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जिस राज्य में है वहीं से अपने राज्य के किसी भी पार्टी के लिए वोट डाल पाएंगे। चुनाव आयोग इस तकनीक का प्रदर्शन करेगा और फिर सभी दलों के प्रतिक्रिया मांगेगा। गुरुवार को चुनाव आयोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि गृह क्षेत्र से दूर रहकर वोट देने की प्रणाली के लिए M3 EVM के विकल्प पर काफी काम किया गया है। इसकी वजह से प्रवासी कामगारों और छात्रों को वोट डालने के लिए लंबी यात्रा करके घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जिस राज्य में पढ़ते हैं या काम करते हैं वहीं से अपने राज्य में किसी भी पार्टी को वोट डाल पाएंगे। अगली बड़ी खबर, अपने बाजीगर दाव से केजरीवाल को टेंशन देना चाहती है बीजेपी, कांग्रेस भी देगी साथ। ये आपको बता दें कि दिल्ली की राजनीति में 6 जनवरी का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। उस दिन तय होगा कि दिल्ली का मेयर कौन बनेगा। MCD चुनाव में दिलचस्प मुकाबले के बाद अब मेयर की रेस भी रोमांचक हो गई है। वार्ड की लड़ाई में आम आदमी पार्टी से पिछड़ गई भारतीय जनता पार्टी ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करके स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए रास्ता साफ नहीं है। भाजपा हार कर भी जीत हासिल करके खुद को बाजीगर साबित करना चाहती है। 250 सदस्यीय नगर निगम में 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की तो भाजपा 104 वार्ड में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। एक निर्दलीय पार्षद को अपने पाले में लाने के बाद भाजपा के पास में अब बढ़कर 105 वार्ड हैं। कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली तो 2 वार्ड में निर्दलीय पार्षद हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में सीटों का अंतर बहुत अधिक नहीं होने की वजह से मुकाबला बेहद करीबी हो गया है। आपको बता दें कि इसमें दल बदल नियम भी लागू नहीं होता है। दिल्ली की राजनीति में 6 जनवरी का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। इसी दिन तय होगा कि दिल्ली का मेयर कौन बनेगा। MCD चुनाव में दिलचस्प मुकाबले के बाद अब मेयर की रेस भी रोमांचक हो गई है। अगली बड़ी खबर, यूपी के सरकारी अस्पतालों में 1 जनवरी से पर्चा बनाने के लिए बताना होगा आधार और मोबाइल नंबर। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में 1 जनवरी 2023 से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। मथुरा जिला अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए सरकार ने नया फरमान जारी किया है। अब सभी सरकारी अस्पतालों में पर्चा बनवाते समय आपको आधार कार्ड के साथ में अपना मोबाइल नंबर भी देना अनिवार्य होगा।
और ये बड़ी खबर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 1 जनवरी से चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट होगा जरूरी। ये आपको बता दें कि कोविड महामारी की नई लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 1 जनवरी से चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों को 1 जनवरी से नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट देना जरूरी होगा। और ये बड़ी खबर, अगले 24 घंटे में छाएगा घना कोहरा, कोल्ड डे की भी संभावना। ये आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहेगा। उत्तर भारत की पहाड़ियों में कुछ बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की गतिविधि देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिलेगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास गिरावट नहीं होगी और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान स्थिर रहने की संभावना है। ये थी तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या भारत जोड़ो यात्रा में यूपी में विपक्ष एकजुट हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।